कलयुग में रिश्ते हुए कलंकित, पिता ने अपने खुद के 8 वर्षीय मासूम को उतारा मौत के घाट, बहरी में से की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुआ फरार, पुलिस ने लिया हिरासत में। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के राड कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम गलिया का है, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम को उसके बाप ने ही मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। कुआं पूजन के दौरान बच्चा हुआ था लापता, जिसको ढूंढते रहे परिजन, लेकिन सुबह उसका शव पशु बाड़े में सुबह 4 बजे मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान और गले में पड़ी तौलिया बता रही है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है। परिजन मृतक के पिता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उसको मतलब 18 तारीख की शाम के 10 बजे रात से उसका लापता हो गया। हम कहीं कोई घर में पड़ा है तो वहाँ हमने सब कहीं ढूंढा, वहाँ पर मतलब बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिला तो मतलब सवेरे मतलब जो बगल में भैंसें बनी थी उसमें मतलब खाड़ू की बुझ की तरह छुपा था कि घाटी में मतलब निशान है, घाटी में मतलब उसकी रगड़स है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। गले पर चोट के निशान है और गाँव वाले बता रहे हैं कि इसका पिता जो है वहाँ शाम को शराब के नशे में देखा गया था। पति पत्नी दोनों में मतलब कि बच्चे के माँ बाप में दोनों में पटती नहीं थी और पत्नी नाराज होकर मायके में रह रही थी और इसके पिता जो सुरेश राजपूत को लोगों ने देखा था वहाँ पर शाम को दारू पिए हुए, तो इससे पूछताछ की जा रही है। अभी स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन गांव वालों को ननिहाल वालों को पूरा विश्वास है कि उसके पिता ने ही अपने बच्चे की गला घोटकर हत्या किया है। हत्या कैसे हुई है पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।